गुड मॉर्निंग एवरी वन टूडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ वेस्ट वाटर स्टोरी ओके क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स क्लीनिंग ऑफ वाटर के मतलब से हम क्या करते हैं जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो रिमूव करते हैं वेस्ट वाटर रिलीज बाय द हाउसेज इज कॉल्ड सीवेज जो घर से वेस्ट वाटर निकलता है उसको सीवेज कहते हैं ओके ड्राइड स्लज इज यूज एज मैन्योर जो ड्राइड स्लज है जो सेटल होता है नीचे स्लज हमारा उसको जब सुखा देते हैं तो हम उसको मैन्योर की तरह यूज़ कर लेते हैं ड्रेन गेट्स ब्लॉक्ड बाय कुकिंग ऑयल एंड फैट्स अगर हम ऑयल या फैट्स डाल देते हैं तो हमारे ड्रेन जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ सीवेज एंड एक्सप्लेन वाई इट इज़ हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इन टू रिवर्स और सी वेस्ट वाटर जो रिलीज होता है हाउसेस से उसको हम सीवेज बोलते हैं और अगर हम उसको बिना ट्रीट किए हुए सीवेज को डाल देंगे जितने भी सीज़ हैं या रिवर में तो क्या होगा कि उसमें पॉल्यूटेंट्स हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे जो कंटामिनेट कर देंगे वाटर को और उससे क्या है बहुत सारे डिजीज़ फैल जाएंगी जो भी लोग उस कंटामिनेटेड वाटर को यूज़ करेंगे या ड्रिंक करेंगे सो so उनको वो डिजीज होने का खतरा हो सकता है सो so आप इसको कैसे लिखोगे वेस्ट वाटर रिलीज बाय हाउसेस इज कॉल्ड सीवेज अनट्रीटेड सीवेज शुड नॉट बी डिस्चार्ज अनट्रीटेड इन टू द सी बिकॉज सीवेज कंटेन पॉल्यूटेंट्स एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच विल कंटामिनेट वाटर कॉजिंग डिजीज इन पीपल यूजिंग कंटामिनेटेड वाटर ओके वाई शुड ऑयल एंड फैट्स नॉट बी रिलीज इन द ड्रेन ड्रेन में जो हमें कुकिंग ऑयल या फैट्स क्यों नहीं डालना चाहिए बिकॉज द ड्रेन गेट्स ब्लॉकड बाई द कुकिंग ऑयल एंड फैट्स क्योंकि ड्रेन जो है हमारी वो ब्लॉक हो जाएंगी ओके डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्राम वेस्ट वाटर वेस्ट वाटर से हम क्लैरिफाइड वाटर तक कैसे पहुँचते हैं कौन कौन से स्टेप उसमें फॉलो करते हैं सो so, हम बहुत सारे उसमें प्रोसेस करते मैंने आपको बताया था स्क्रीनिंग देन प्राइमरी देन सेकेंडरी एंड फाइनल बट यहाँ पे शॉर्ट में हमने लिखा है वी कैन यूज एन एरेटर फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार अलाउ सेवरल ऑवर्स फॉर एरेशन लीव द एरेटर अटैच ओवर नाइट इफ़ यू डो नॉट हैव एन एरेटर यूज अ मैकेनिकल स्टरर और अ मिक्सर दिस रिड्यूज द

सारे घंटों के लिए उसको छोड़ देंगे ओके okay? देन अगर आपके पास एरेटर नहीं है सो आप मैकेनिकल स्टेरर का यूज़ भी कर सकते हैं इससे क्या होगा कि जो आपकी फाउल स्मेल जो गंदी स्मेल आती है वेस्ट वाटर की वो कम हो जाएगी फिर हम वाटर को फिल्टर कर लेंगे सैंड ग्रेवल और मीडियम ग्रेवल से ओके okay? फिर फिल्ट्रेशन जो है उससे क्या होता है कि बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स निकल जाते हैं और फिर हम जो अपना वाटर जो हमारा क्लियर बच गया है इसमें हम क्लोरिन की टैबलेट डाल के उसको फिट बना सकते हैं एंड क्लैरिफाइड वाटर की तरह यूज़ कर सकते हैं ओके नाउ व्हाट इज स्लज एंड हाउ इट इज ट्रीटेड सॉलिड लाइक फेस इज सेटल एट द बॉटम वाइल ट्रीटिंग सीवेज एंड दिस मटेरियल इज कॉल्ड ए स्लज स्लज कैन बी ट्रीटेड एज फॉलोज स्लज इज रिमूव यूजिंग अ स्कीमर एंड देन ट्रांसफर टू अ टैंक वेयर इट इज डिकम्पोज बाई एनारोबिक बैक्टीरिया टू प्रोड्यूज बायोगैस ओके सॉलिड फेसेस जितने भी सॉलिड्स हैं जो हमारे वेस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी से निकलते हैं वेस्ट सो जो सॉलिड है वो क्या होते हैं कि नीचे सेटल हो जाते हैं बॉटम पे, ओके जब हम आ, सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं इसी मटेरियल को हम स्लज बोलते हैं और स्लज को ट्रीट कैसे किया जाता है उसको हम एक स्क्रीमर से ट्रांसफ़र कर देते हैं एक टैंक में जहाँ पे उसको डिकम्पोज करवाया जाता है बाय एनारोबिक नहीं है ये एरोबिक है एरोबिक बैक्टीरिया जो एयर का यूज़ करते हैं और उससे हम बायोगैस बनाते हैं ओके अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटा इज़ हेल्थ हेजार्ड एक्सप्लेन जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटा है जो ह्यूमन का वेस्ट होता है वो हेल्थ हेजार्ड है बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पॉल्यूटेंट है जो हमारी सॉइल को वाटर रिसोर्स जहाँ से पीपल पानी लेते हैं उसको कंटामिनेट कर सकते हैं सो so, इसीलिए जब पीपल पानी अगर वो गंदा पानी या कंटामिनेटेड वाटर यूज़ करेंगे जिसमें ह्यूमन का वेस्ट भी है सो so उनको बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं लाइक कॉलरा टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ओके okay? सो so, आपको आंसर लिखना है कि अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटा क्या होता है जो ह्यूमन का वेस्ट है ओके इट इज़ अ हेल्थ हेजार्ड बिकॉज इट इज़ कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गनिज्म एंड पॉल्यूटेंट दैल्ट विल कंटामिनेट द सॉयल एंड वाटर रिसोर्सिज फ्रॉम वेयर पीपल ड्रॉ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक परपज वेन पीपल यूज वाटर कंटामिनेटेड विद ह्यूमन एक्सक्रिटा दे गेट डिजिजेस लाइक कॉलेरा टाइफॉइड डायसेंट्री एंड हैपेटाइटिस ओके नो यू हैव टू नेम टू केमिकल यूज टू डिस इन्फेक्ट वाटर वाटर को फिट बनाने के लिए हम कौन कौन से केमिकल यूज़ करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लोरिन एंड ओजोन ओके एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्क्रीन होती है हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ये क्या करती हैं लार्ज ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देती हैं जैसे कोई बड़े बड़े टुकड़े हैं रैग्स हैं कोई कैन हैं प्लास्टिक के पैकेट हैं नैपकिन हैं स्टिक्स हैं सो ये सारी रिमूव करने के लिए स्क्रीन का यूज़ किया जाता है ओके नाउ यू हैव टू रिलेशन आई मीन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिजीज सैनिटेशन और डिजीज़ में क्या रिलेशन है ये जो दोनों हैं ये इंटर रिलेटेड हैं बिकॉज़ अगर अच्छा सैनिटेशन नहीं होगा तो डिज़ीज़ हो जाएगी ओके okay? और अगर हम क्लीन सैनिटेशन रखेंगे अच्छा सैनिटेशन होगा सो so उससे क्या होगा हम डिजीज़ से बच सकते हैं ओके सो लैक ऑफ सैनिटेशन लीड टू विलनेस एंड गुड सैनिटेशन प्रैक्टिस प्रिवेंट द डिज़ीज़ गुड प्रैक्टिस में क्या आ सकते है कि हम टॉयलेट का इस्तेमाल करें बाहर खुले में नहीं जाना है और उसकी साफ़ सफाई रखें टॉयलेट्स की क्लीन रखें उनको सो ये सारी हमारी सैनिटेशन प्रैक्टिस हैं नेक्स्ट आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन आप एज अ एक्टिव सिटीजन क्या कर सकते हैं अपनी सैनिटेशन को अच्छा करने के लिए ओके सो एवरी सिटीजन हैज़ अ रोल टू प्ले इन मेंटेनिंग प्रॉपर सैनि सैनिटेशन एंड कुछ हम इस पर से चीज़ें कर सकते हैं हम भी अपना अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं बाय बिकमिंग एन एक्टिव सिटीजन कैसे वी कैन इंश्योर दैट अवर सराउंडिंग आर कैप्ट क्लीन मतलब हमारे जो आसपास का एरिया है उसको क्लीन रखना चाहिए जो सीवेज सिस्टम है हाउस का शुड बी प्रॉपरली मैनेज उसको अच्छे से मैनेज करना चाहिए एंड अगर कोई लीकेज है सीवेज पाइप्स में सो so उससे रिलेटेड अथॉरिटीज़ को बताओ और मैंने आपको जैसे बताया कि जितने भी अपने घर में टॉयलेट हैं उनका यूज़ करना चाहिए और उनको प्रॉपर्ली क्लीन उनको क्लिनिंग उनकी होनी चाहिए ओके okay? सो so, ये सारी प्रैक्टिस हम यूज़ कर सकते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका एक क्रॉसवर्ड uh, पज़ल है इसका आंसर मैंने आपको दिया बट फर्स्ट आपको ट्राई करना है देन इसको देखना है ओके यू कैन सी हेयर ये लास्ट क्वेश्चन है आप ट्राई करना देन यहाँ से आंसर आप चेक कर सकते हो ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आज हमने डिस्कस कर लिए हैं क्वेश्चन आंसर आपको ये सारे क्वेश्चन नोटबुक में लिखने हैं विद दिस वी कवर द होल एक्सरसाइज एंड चैप्टर एज़ वेल और हमारी बुक का ही लास्ट चैप्टर था सो हमने ये सारा कवर कर लिया ओके आई होप आपको समझ आएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग